जो नेक्सस है बॉलीवुड के अंदर, जो नेक्सस है बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि वाकई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। लोग लगातार देख रहे हैं, जनता देख रही है कि किस तरीके से ऐसे कई नाम सामने आए हैं जिनके बारे में शायद वो सोच भी नहीं सकते होंगे, लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं है ऋचा, इसलिए उनके लिए पूरे प्रूफ चाहिए होंगे, सारे हर तरीके के सबूत चाहिए होंगे, और वो भी ठोस सबूत चाहिए होंगे, पुख्ता सबूत चाहिए होंगे। इसलिए देखिए लगातार यहाँ पर एक्टिवनेस हम देख रहे हैं, एनसीबी के ऑफिस में लगातार हम एक्टिवनेस देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि इनकी पेशी भी की जाएगी, हो सकता है पेशी आज, क्योंकि बहुत ज्यादा देर संडे है, इसलिए कल पेशी की जा सके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इनकी पेशी की जा सकती है कोर्ट में। तो ये बड़ी बात आपको बता दें कि अभी हमने देखा कि अनुज केसवानी को ले जाया गया, मेडिकल कराया गया है, और लगातार हर ड्रग पेडलर से पूछताछ की जा रही है, कोशिश की जा रही है उन कड़ियों को जोड़ने की, उन तारों को जोड़ने की, जो बड़ी यानी कि बड़ी मछलियां जो इसमें लिप्त है, पूरी तरीके से एक्टिव है, उनको पकड़ा जा सके। ऋचा, इनफैक्ट शिखा, नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द फोकस विल नाउ बी बैक ऑन द बॉलीवुड ड्रग नेक्सस दैट इज ऑपरेटिंग विद द अरेस्ट ऑफ रिया चक्रवर्ती एज वेल एज शोविक एंड ऑल द की प्लेयर्स दैट हैव बीन अरेस्टेड सो फार, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मोर समन्स विल नाउ बी सेंट आउट बाय द एनसीबी, एंड दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन वी हैव एट दिस पॉइंट, नाउ दैट ऑल द की प्लेयर्स हैव बीन इन अ वे टेकन इनटू कस्टडी, अरेस्टेड एंड इंटरोगेटेड। बिल्कुल ऋचा, देखिए हमने समीर वानखेड़े जब यहाँ से आ रहे थे तब हमने उनसे पूछा था ये बात कि उनको समन कब जारी किया जाएगा, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम हैं जिनका खुलासा अभी एग्जैक्टली वो नहीं कर रहे हैं, तो उनको समन कब किया जाएगा, तो उन्होंने इस पर कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं बोला क्योंकि उनकी लिमिटेशन होती है, वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, जो उनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है, क्योंकि 25 ऐसे नाम है क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी जो इस ड्रग नेक्सस ड्रग सिंडिकेट जो है उसका एक्टिव पार्ट रहे हैं। देखिए एक्टिव पार्ट रहना बहुत बड़ी बात है, एक्टिव रहना यानी कि प्रोक्योरमेंट से लेके ड्रग प्रोक्योरमेंट की भी यहां पर बात आती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई ड्रग प्रोक्योर करता है तो देखिए उसमें जो सजा होती है उसमें धारा 27A लगाई जाती है जो रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई है, और वही एक पेच है जिसकी वजह से उनको बेल नहीं मिल पा रही है, जमानत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसमें सीधे सीधे 10 साल की सजा होती है। और ऐसा भी होता है ऋचा कि जो 10 साल की से ज्यादा की सजा वाली जो धाराएं लगती हैं उनमें आसानी से बेल नहीं मिलती, इसी वजह से वो परेशान है, जिसकी वजह से उनको बेल नहीं मिल पा रही है। तो देखिए जो ड्रग प्रोक्योरमेंट होता है, जो उस जगह पर उस तरीके से जाके उस लेवल पर जाके यहाँ पर काम हो रहा है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जो सिंडिकेट है उसमें कौन कौन लिप्त है और जो मास्टर माइंड कौन है और कौन कौन ऐसे पेडलर्स है जो वहां तक पहुंचाते हैं, तो ये तमाम चीजों की को देखा जा रहा है। ऋचा, alright, thank you so much Shikha for getting us this latest exclusive details of Rhea's drug ring that we have access to on Republic TV, and all eyes on the NCB and how many more arrests as well as summons that are likely to be sent out now. Thanks for watching this video.